घुटने में अगर चोट लगने के बाद घुटना लॉक हो जाए, लॉक मतलब मुड़ा हुआ है, अब सीधा नहीं हो रहा, तो जो सबसे कॉमन कारण रहता है ना वो रहता है मेनिस्कस का बकेट एंडल टीयर। मेनिस्कस हमारे दो फीमर और टीबिया के बीच में ये शॉक एब्जॉर्बर स्ट्रक्चर है। अगर सपोज हमें चोट लगे, घुटना ट्विस्ट हो जाए और ये मेनिस्कस फट जाए, फट के ये बेटा अंदर इस तरह से लॉक हो जाए, बकेट हैंडल बाल्टी का हैंडल नहीं होता उस तरह से, अगर ये ऐसे लॉक हो जाए अब सीधा नहीं हो पाता, क्यों, ये बीच में मेनिस्कस पड़ा हुआ है। अब ये मेनिस्कस एक रबर के गुटके की तरह होता है, अगर इस रबर को इस तरह से मोड़ के रखूँ 6 दिन तक, हो सकता है ना ये डिफॉर्म हो जाए, ये वापस अपनी शेप पे नहीं जाएगा ना, तो काटना पड़ेगा। तो इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आप 5 दिन से घुटना बैंड करके चल रहे हो और आप MRI नहीं करा रहे, ये गलत है बेटा, ना मेरे लिए गलत है ना तेरे लिए गलत है, आप घुटने के लिए गलत है ये चीज़। क्यों? क्योंकि आपका मेनिस्कस फटा हुआ पड़ा है, ऐसा वो पड़ा नहीं है, वो मुड़ा हुआ पड़ा है, मुड़ गया है वो, तभी तो लॉक हुआ है। अगर लॉक नहीं हुआ तो मैं इतनी अर्जेंसी नहीं दिखाता आपको, पर अगर मेरे को मालूम है कि आपका हो सकता है मेनिस्कस लॉक्ड है और ये आपने ज़्यादा लंबे समय रख लिया, तो ये बेटा ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसको जब सर्जरी करके काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ये अपना रिपेयर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि डिफॉर्म हो गया। तो डिफॉर्म होने से पहले चीज़ें सिली जा सकती है, सिलने के लिए मुझे सीधा करके सिल दूंगा मैं, नॉर्मल हो जाएगा, पर अगर ये सीधा हुआ ही नहीं तो क्यों नहीं सीधा हुआ, कभी भैया बहुत देर से मुड़ा हुआ रह गया। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।